मैं स्टूडियो में बात करूंगा आप सबसे वाराणसी के ऐसे सियासी किस्से के बारे में जो आपने नहीं सुना होगा। 2014 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन भर रहे थे, पहली बार वह लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी भी थे। उन्होंने अपना रोड शो वाराणसी के ही मलदैया से शुरू किया था, जो यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोपहर का वक्त था, प्रचंड गर्मी थी, चिलचिलाती धूप थी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग उनके रोड शो में शामिल हुए थे। कहा जाता है कि मलदैया से मिंट हाउस चौराहा तक आने में उन्हें 4 से 5 घंटे तक का वक्त लगा था। बड़ी संख्या में जो बीजेपी समर्थक थे, जो उनको देखने वाले लोग थे, वो उनके साथ जुड़े थे और उनके रोड शो में उनके साथ मौजूद थे वाराणसी के महापौर रामगोपाल मोहले, तब के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय विधायक रविंद्र जायसवाल, इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, ऐसे तमाम लोग उनके साथ उस समय जो बड़े नेता हुआ करते थे वो जुड़े थे। उनका जो रोड शो था वो यहाँ पर ही समाप्त होता है। उन्होंने सबसे पहले जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था, उनका जो रोड शो शुरू हुआ था वो मलदैया से शुरू हुआ था। रोड शो की शुरुआत में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। रोड शो यहाँ से समाप्त होने के बाद उनका जो काफिला है वो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यालय स्थित राइफल क्लब में जाता है, जहाँ पर उनको नामांकन भरना था। एक बात कही जाती है जो आज तक उसकी चर्चा वाराणसी में काफी होती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान उन्हें 30 से 35 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था नामांकन भरने के लिए। वजह यह बताई जाती है कि एक निर्दल प्रत्याशी भी अंदर कार्यालय में अपना नामांकन भर रहे थे, इस वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ा था। हालांकि अपने स्वभाव के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी ने इंतजार भी किया था और उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने यहाँ भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इसके अलावा उन्होंने अपने पास रखे पेन का भी जिक्र किया था, उसे बड़ा लकी बताया था, उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बाद जब वो अपने समर्थकों के बीच से बाहर निकलते हैं तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में भीड़ उनको देखने के लिए काफ़ी उत्साहित रहती है। और उस समय के वो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लोगों के बीच में इस बात की चर्चा थी कि गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं चुनाव लड़ने, एक हिंदुवादी छवि भी थी। ऐसे तमाम बातों को लेकर लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। लेकिन ये जो किस्सा है कि प्रधानमंत्री मोदी को 30 से 35 मिनट तक अपने नामांकन भरने के लिए इंतजार करना पड़ा था, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था। और उसी दौर की बात कर लें तो 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ से लड़े थे, वो भी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। अजय राय थे, अजय राय भी यहाँ से काफ़ी अपना स्थानीय जो उनकी लोगों के बीच में चर्चाएं थी उसको लेकर वो जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में इन तमाम विषयों को लेकर जो वाराणसी था वो लगातार सुर्खियों में था। तो एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो अजय राय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में भी उन्होंने रोड शो किया था, 2019 में उनका रोड शो BHU से शुरू होकर गदौलिया तक पहुंचा था। तो ऐसे में ये जो 10 साल रहे हैं वाराणसी के लिए सियासी मायने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। अब देखना होगा कि 2024 में वाराणसी की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।